ठीक है, क्या नाम है आपका और आज क्या हुआ है? आप मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है, क्या मामला था? मेरा नाम अनिल कुमार है, मेरी बहन की हत्या हो गई है, इसीलिए मैं आया था ज्ञापन देने के लिए केला जी के पास में। तो ज्ञापन दिया तो मेरी बहन की हत्या कर दी है। 2017 में मेरी बहन की शादी हुई थी, तो कुछ मतलब उसके बाद मैं कुछ परेशान कर रहा था। कौन कर रहे थे? पति कोई मांग मतलब बोल देंगे दहेज का, यही मांग मांग था। फिर कुछ हमने रोकी घर पे, हमने बोले ठोक मार कर रहा है तो रोक, तो इसीलिए कारण फिर वो वापस आया है, कह नहीं अगली बार नहीं करूँगा ठोक मार, हमारे साथ तो हमने भेजी। उसके बाद में फिर वापस वही तरीका, ठीक है ना, फिर बोला है कि मेरे को तलाक चाहिए। सिस्टर को ये बोला तो सिस्टर ने बोला नहीं मैं तलाक नहीं दूंगी। तो वो बोल रहे हैं कि मैं, वो बोला मेरे को तलाक चाहिए, मैं दूसरी शादी करूँगी, ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, पापा एक्सपायर हो गए, गवर्नमेंट सर्विस पैसे आए हैं तो वो इसीलिए शादी करना चाह रहा है दूसरी, तो इसीलिए फिर वो केस थोड़ा चला। तो अब सिस्टर यहीं थी घर पे, फिर क्या है वो वापस आया, कहेंगे केस में कुछ मिलना नहीं है, तो इसीलिए वो वापस आया। तो बोला कि हम समझौता करने आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो हमने बोला समाज के बंदे लेके आओ, तो हम भेजने के लिए तैयार हैं। तो वो समाज के बंदे मतलब गया तो समाज वाले उनके साथ में आए नहीं, तो फिर वापिस आया यहाँ पर महिला थाने में। तो महिला थाने में दोबारा बोला इनके हम ले, मैं लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ में भेजिए पुलिस महिला थाने के अंदर जो भी है। तो महिला थाने के अंदर एक बार पहले भी हमने भेजी थी, तो दोबारा वापस वो लेने के लिए, तो हमने यही वापस बोला इनके समाज लेके आओ, हम भेजने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने फिर महिला थाने उनको बोला इनके तारीख दिया 20 तारीख ऐसे कुछ दिया, तो वो तारीख को फिर वो बोलाएंगे लेके आएंगे समाज वालों को। गए वापिस समाज वाले, वो कॉल आए समाज वालों का कॉल आया, बोला इनके आप इधर आ जाओ, समाज वाले आपके लेके जो भी बातचीत है वो करके। तो हम गए उधर, हमारे यहाँ के जो भी है बाड़मेर के समाज वाले हैं वो हम 30-35 जने गए गाड़ी लेके, ठीक है 3-4 गाड़ियाँ लेके गए। फिर वहाँ पुलिस थाने के अंदर उनके भी थे जाजम बिछा के, उनके भी समाज वाले थे और हमारे समाज वाले 70-80 आदमी। फिर समझौता किया थाने के अंदर, फिर जो भी स्टाम्प वगैरह लिखवाया, ठीक है ना। उसके बाद में सिस्टर 5 महीने हो गए तो वहीं थी, एक बार आई थी खाली। कहाँ ससुराल? कहाँ? सोजत सिटी है। तो वापिस एक बार आई, फिर वापिस 3 महीने हुआ रुकी, फिर राखी को आई थी। तो राखी बांधने के लिए 6 दिन रुकी, तो 6 दिन रुकी तो मतलब वो बहन को परेशान कर ही रहा था। तो बहन ने मेरे को बताया नहीं, ना घर में किसी को बताया कि परेशान कर रहा है, ठीक है। तो वो बोला मेरे को जाना है सोजत, ठीक है ना, क्योंकि 3 दिन बाद में मेरे घर पे जागरण थी। तो हमने बोला 3 दिन बाद में चले जाना, जागरण है। तो बोला नहीं, मैं फ़ोन कर रहे हैं, वो थोड़ा पागल है, उसको समझा के उसको साथ में लेके आएंगे, ये बात करके बोलाएंगे यार। बस मैं, मेरे को टाइम था नहीं, पापा को बोला तो पापा, फिर मैंने बोला चलो मैं भी छोड़ के आ जाऊँ, मैं गया छोड़ने के लिए गाड़ी, फिर वापस मैं आ गया। तो फिर जागरण के दूसरे दिन मतलब हत्या हो गई, उसको मतलब गला घोट के मार दिया। तो कब की घटना है, तारीख कौन सी? तारीख है 1/9 भी है, ठीक है ना, 2/9 की घटना है। तो उसको गला दबा के मार दिया। तो फिर हम गए थे यहाँ से 70 जने, तो फिर वहाँ मतलब कोई बॉडी के पास में कोई नहीं थे, ठीक है ना। तो हम गए वहाँ तो जैसे कोई लवारी बॉडी पड़ी है, तो वहाँ गए, फिर पुलिस वाले आए। तो पुलिस वाले ने हमने भी पूछताछ की कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उन्होंने बोला कि
इन्होंने फांसी खा के लटक गई है। तो बोला लटक गई है कैसे, बॉडी आप कौन लेके आए? उनकी बहन के बच्चे कितने? आपकी बहन के? मेरी बच्ची एक भांजी है, डेढ़ साल ढाई साल की है। क्या है मामला दर्ज करवा है, लेकिन उस टाइम पुलिस आई तो हमने पूछा तो बोला इनके लटक गई है, आत्महत्या की है। तो हमने बोला आत्महत्या की है तो आप हमारे को बताओ ना क्या कैसे की आत्महत्या। अब आपने मामला दर्ज करवाया? बिल्कुल, उस टाइम मामला किस थाने में करवाया? सोजत सिटी में। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे को न्याय मिले। वहाँ फिर हमने पूछा डॉक्टर साहब को, उन्होंने ये चीज़ बोला इनके आत्महत्या कर गई कर दी है। आत्महत्या ऐसे कैसे कर दी है? वो प्रेशर ज़्यादा दिया, टॉर्चर ज़्यादा किया, कूट मार की, तभी गला दबा के मारी होगी। तीन दिन से खाना भी नहीं खाया। वो थाने वाग थाने वालों के पास में वीडियो भी है, उनके पास में सारा कुछ जाता था ना वो तो। और दूसरे मतलब घर वाले सारे बाहर घूम रहे हैं। ठीक है ठीक।